हेलो दोस्तों, मैं वीरू फोटोकार्ट से। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो जो है सेलेस्ट्रॉन ट्रैवल स्कोप DX मॉडल के बारे में। तो ये इस तरीके का पैक में आता है और ये बैकपैक के साथ में आएगा। बैकपैक इसके साथ में ही होता है, जस्ट लैपटॉप बैकपैक की तरह दिखता है आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और सेटअप वीडियो। इस तरीके का देखो आप कलर बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर आपको ये सारी एक्सेसरी जो मिलती हैं वो कंपनी ने यहाँ डिस्प्ले कर रखी हैं। ये बैकपैक साथ में आएगा, इस तरीके का 70 mm का ट्यूब रहेगा, शॉर्ट ट्यूब, फुल हाइट ट्राइपॉड आएगा एल्युमिनियम का। इसके साथ में आपको मिलेगा डायगनल मून फिल्टर, ब्लूटूथ रिमोट, स्मार्टफोन अडेप्टर, 20 mm आई पीस, 10 mm आई पीस, 2x का बारलो लेंस और फाइंडर स्कोप। तो चलिए बिना डिले के ओपन करते हैं अपना बॉक्स। ये देखिए बटरफ्लाई पेपर लगा हुआ है, ऊपर अच्छे से पैक कर रखा है कंपनी ने। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का बैकपैक में कंप्लीट पूरा सेट पैक है, जस्ट लाइक ए लैपटॉप बैग देख सकते हैं आप। ठीक है, प्रॉपरली बैकपैक है, एक स्टूडेंट या कोई भी फुल्ली बैकपैक लेके जा सकता है। ठीक है, बैग की हाइट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे दे रखा है, आप अपने हाइट के हिसाब से इसे कर सकते हो। तो चलिए ओपन करते हैं बैग। ये है इसके अंदर सारी एक्सेसरीज, मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, सब कुछ काफ़ी अच्छे से पैक किया है कंपनी ने। हम एक एक करके आपको खोल के दिखा रहे हैं। ये सारी एक्सेसरीज हमें मिलती हैं ट्रैवल स्कोप 70DX मॉडल के अंदर। ये ट्यूब है जो कंपनी ने डिजाइन या जो इसका थीम है वो चेंज कर दिया है। पहले फुल ब्लैक आता था, अभी ये सिल्वर कलर का काफ़ी खूबसूरत डिजाइन लग रहा है। इसके साथ में ये फुल हाइट ट्राइपॉड है एल्युमिनियम का। दो आईपीएस कंपनी देती है, 20 mm, 10 mm, स्टार डायगनल आता है, साथ में फाइंड स्कोप आता है। कंपनी ने जो इसके अंदर अभी एक्सेसरीज एड ऑन किया है वो ये एक्सेसरीज इसके अंदर कंपनी ने एड ऑन किया है। एक ये आपको मिलेगा हमारा फोन रेट पर इसके साथ में आता है, एक बारलो लेंस इसके साथ में आता है, एक मून फिल्टर कंपनी इसके साथ में देती है, और एक ये ब्लूटूथ आता है जो कि आप अगर अपने मोबाइल से फ़ोटो कनेक्ट करना है तो आप सीधा इस ब्लूटूथ बटन दबा के कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट, देन आप इसे मोबाइल से कनेक्ट करके बिना मोबाइल को छुए अपने फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका बैटरी है, इसके अंदर यहाँ से ओपन होगा और अपना बैटरी डाल के आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी सेटअप वीडियो। और सेटअप करने के लिए सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, लैग खोलने हैं इसके। और ये जो है इसमें 3 साइज और दे रखे हैं जो कि आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। 3 सेक्शन दे रखे हैं, मैं आपको इसे बिल्कुल लो पे रख के और टेबल पे लगा के दिखाता हूँ, टेबल टॉप हाइट पे रख के इसको। इसे होल्ड करने के लिए यहाँ पे दे रखा है बटन, जहाँ पे आपको हाइट को इसको होल्ड रखना है यहाँ रख सकते हैं। सिंपल सा ये डॉप्टर प्लेट इसके साथ में दे रखी है। यहाँ क्विक रिलीज जो प्लेट है उसके ऊपर इसे हमें स्क्रू के साथ लगाना है, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा लूज करेंगे हम तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। और इसको सिंपल सा यहाँ को इसके ऊपर हमें ऐसे रखना है और सिंपल सा इस स्क्रू को स्लाइड कर देना है, सो दैट हमारा ये कनेक्ट हो गया इसके साथ में। अब ये ऐसे हो रहा है या लूज है ये, तो इसको जैसे हमने जिस बटन से टाइट लूज किया था उसी बटन के माध्यम से हम इसे यहाँ आप टाइट कर देते हैं, जिससे ये फिक्स हो जाएगा, हिलेगा नहीं बार बार। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये फिक्स हो गया है। ये लगाने के बाद आप
आपको इसके साथ में कनेक्ट करना है फाइंडर स्कोप। फाइंडर स्कोप कनेक्ट करने के लिए ये फाइंडर स्कोप है, यहाँ पे दो स्क्रू दे रखे हैं, इन स्क्रू को सिंपल सा लूज करके बाहर निकालना है। और इसको बाहर निकालने के बाद ये वाला जो फाइंडर स्कोप का पोजीशन है वो इसके ऊपर कनेक्ट करके देन उसके साथ में हमें लगा देना है। ठीक है, दोनों स्क्रू टाइट कर देना है, हमारा फाइंडर स्कोप लग जाएगा। उसके बाद हमें ये यहाँ से डस्ट कैप जो है वो हटाना है, यहाँ पे हम आईपीस लगाएंगे उस पोजीशन से और दोनों स्क्रू को लूज करेंगे। और लूज करने के बाद सबसे पहले हम अपना 20mm का आईपीस लगाएंगे, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि टेलीस्कोप के साथ में अगर दो आईपीस आ रहे हैं तो जो सबसे बड़ा आईपीस है पहले आप वही लगाइएगा अगर आप बिगिनर हैं तो। ठीक है, यहाँ से डस्ट कैप हटाने के बाद उसके बाद हमें डायगनल लगाना है पहले। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से डायगनल लगाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, डायगनल लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर अपना 20mm का आईपीस लगाना है। बीस एम का आईपीस लगाने के बाद आगे जो डस्ट कैप है फ्रंट पे वो हटाना है। डस्ट कैप हटाने के बाद काफ़ी कस्टमर देखते हैं कि उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, तो दोस्तों इसे अभी एकदम ही क्लियर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया अपनी तरफ से एडिशनल। ठीक है, जैसे कि हमें फोकसिंग करना है ऑब्जेक्ट को और हमें ये जो इसका ट्यूब का जो फ्रंट साइट है उसके अंदर वो जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसकी लाइट आनी चाहिए, तो आप इसको पहले अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर सेट कीजिए ट्यूब को। उसके बाद जब ट्यूब को वहाँ सेट कर लेना है, उसके बाद हमें ये जो फोकसिंग नोब है उसे हमें फोकस एडजस्ट करना है। जब फोकस एडजस्ट बिल्कुल शार्प और क्लीन दिखेगा तभी आपको मज़ा आएगा, तो इसको फोकस एडजस्टमेंट कर लेंगे क्लियरली जब आपको आपके ऑब्जेक्ट में दिखने लगे तब आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाइएगा, पर पहले ये करना बहुत ज़रूरी है। हम डायरेक्ट अगर हमने सपोज मानो मैंने आपको समझाया, आपने असेंबल कर लिया और आप फिर सीधा इसमें देखेंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। इसको फाइंडर स्कोप के माध्यम से भी आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले 20mm का आईपीस यूज करना है और फोकस से क्लियर कर लेंगे। जब वो ऑब्जेक्ट आपको दिख जाता है और आपको और बड़ा देखना है तब आपके के लिए इसके अंदर कंपनी ने 10mm का आईपीस दे रखा है, उस ऑब्जेक्ट को और बड़ा देखना है, जूम करके देखना है, तब आप 10mm का आईपीस यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें इसके साथ में कंपनी ने बारो लेंस दे रखा है, बारो लेंस आपको लगाना है, तो बारो लेंस लगाने का सिंपल है, आईपीस यहाँ से निकालना है। और आईपीस निकालने के लिए आईपीस निकालने के बाद आपको यहाँ पे इसको रखना है एज इट इज और इस स्क्रू को टाइट कर देना है और आईपीस यहाँ पे लगा देना है। तो जो भी आईपीस आप इस बारो लेंस के ऊपर लगाएंगे उस आईपीस की पावर ये बारो लेंस डबल करके दिखाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बारो लेंस यूज करना है। बारो लेंस यूज करने के बाद कंपनी इसके साथ में देती है एक आपको मून फिल्टर, तो मून फिल्टर जो है वो इस पोजीशन पे लगेगा इस तरीके से, इस तरीके से रख के हमें बस स्लाइड कर देना है, दैट्स इट। तो मून फिल्टर का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, अगर हम नाइट में मून देख रहे हैं और विदाउट मून फिल्टर के देख रहे हैं तो क्या होता है, ज़्यादा समय तक हम 5 मिनट भी अगर हम कंटिन्यूसली मून को देखते हैं तो हमारी लाइट आँखों पे इफ़ेक्ट करती है उसकी तेज़ रोशनी, तो रोशनी को कट करने के काम आता है ये मून फिल्टर। या ये मून फिल्टर लगा के आप अगर मून को देखेंगे तो आपको नॉर्मल लाइट आपको ये फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि लाइट कट कर देता है ये मून फिल्टर। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से लगाएंगे। अब कंपनी ने इसके साथ में एक दे रखा है स्मार्टफोन अडैप्टर, उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो उसको कनेक्ट करने का भी सिंपल सा तरीका है, इसे हम लूज कर लेंगे
ठीक है, इसको अपने मोबाइल के साइज के हिसाब से बड़ा कर लेंगे। और सपोज़ मानो, ठीक है, इस तरीके से इसको लगा के टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद क्या होगा, मैंने मोबाइल पहले लगा दिया, ठीक है, जो हमारा आईपी है वो हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसे लूज कर लेंगे, इस तरीके से रख कर टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के बाद अभी क्या है, हमारा जो फ़ोन का कैमरा है वो आईपीस के सेंटर पे, सेंटर में लाके हमें सेट कर देना है, जिससे कि जो हमारे मोबाइल का मेन कैमरा है वो आईपीस के सेंटर में आ जाए, जिससे हमारी वीडियो या फोटो है वो क्लिक हो सके। ये इस तरीके से आपको कर देना है। सपोज़ मानो हमने, हमारा जो मेन कैमरा है मोबाइल का, वो हमने उसके आईपीस के सेंटर में रख दिया। रखने के बाद सिंपल सा आपको इसे इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से रख देना है। उसके बाद आप जो भी अपना ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो आपको इसमें मोबाइल में डिस्प्ले होगा, और आपको बार बार मोबाइल को टच नहीं करना है वीडियो बनाने के लिए या फोटो क्लिक करने के लिए। तो कंपनी ने इसमें ब्लूटूथ रिमोट दे रखा है, इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आप मोबाइल्स के फोटोज़ इसके माध्यम से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से इसका सारा सेटअप है और असेंबल करना है आपको, और जो गाइड मैंने आपको किया है उस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट देखना है, आपको 100% ऑब्जेक्ट दिखेगा। क्योंकि काफ़ी कस्टमर कॉल करते हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये सब अफवाह, मतलब ये सब ठीक नहीं है। आप लोग थोड़े से मेहनत कीजिए, समय देना पड़ेगा, दिख जाएगा। इसी तरीके से कोई सवाल या जवाब आपका रहे, कुछ ना समझ में आया हो या मैं कुछ नहीं बता पाया हूँ वीडियो में, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।